इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी चूक की जानकारी दी है। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में पीएम की सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद दुरुस्त नहीं थे, सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द की गई है पीएम मोदी की रैली। ये गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है। पंजाब सरकार के पास पीएम के दौरे की डिटेल थी। फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक काफिला रुका रहा पीएम मोदी का, तो सुरक्षा में चूक बताई जा रही है। पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली सुरक्षा को देखते हुए रद्द कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ी चूक की जानकारी दी है। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक दिखी है, जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ये रैली, बड़ी रैली कहेंगे, जो रद्द हो गई है। पंजाब के फिरोजपुर में आज पीएम मोदी की रैली थी और ऑनलाइन जुड़ चुके हैं सुनील शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील शाही जी। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह बड़ी जानकारी दी है कि सुरक्षा में चूक थी, सुरक्षा चाक चौबंद नहीं थी, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये काफिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो वापस हुआ है दिल्ली के लिए, और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का अगला रुख क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये पंजाब सरकार की पूरी फेल्योर है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार के वजह से हुआ है। यहाँ के डीजीपी को तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए और सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि केंद्र सरकार को, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि किसी देश को के पीएम को, भारत जैसे देश के पीएम की जिसकी इतनी बड़ी सुरक्षा है, और सुरक्षा में चूक इन लोगों ने कैसे किया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब एयरपोर्ट पर उतरे तो पंजाब पुलिस से उनकी एसपीजी ने प्रोटोकॉल के तहत क्लियरेंस मांगा, और जब क्लियरेंस हो गया तब जाकर उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला निकला। तो जिस रूट पर प्रदर्शन हो रहा था, उस रूट का क्लियरेंस क्यों दिया गया, ये पूरी सुरक्षा में चूक है, और इसके लिए सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, वह राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। डीजीपी को तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, समय देने के लिए। तो अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल पंजाब सरकार की ये बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक है, ऐसे में पंजाब के डीजीपी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज रैली होने वाली थी, फिरोजपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्जना भरने वाले थे, और ऐसे में जिस तरीके से मौसम ने भी नहीं साथ दिया, और दूसरी तरफ जो बड़ी जानकारी दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, वो यही कहा गया है कि दरअसल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे पंजाब सरकार के द्वारा, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता था, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आकर के वापस हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को स्थगित करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद रोष है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बेहद रोष देखने को मिल रहा है, और पंजाब सरकार की ये नाकामी गिना रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गिनाया जा रहा है। ऐसे में अब यह भी बड़ी मांग की जा रही है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जिस तरीके से अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी शाही जी जुड़े हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब सरकार की ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी नाकामी है, ऐसे में पंजाब में अब सरकार चलाने के योग्य नहीं है कांग्रेस, ऐसे में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना बेहद आवश्यक है और डीजीपी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा रोष है। जाहिर तौर पर आज पीएम मोदी की यह रैली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी साबित हो सकती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले थे, और खुद उन्होंने इस बात का जिम्मा उठाया था। ऐसे में उठाया गया ये बड़ा बीड़ा अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी पैदा कर रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अब भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर है सर पर चुनाव है पंजाब में, और ऐसे में कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है। पंजाब को फतह करने के लिए सारी पार्टियां अपनी पूरी दमखम लगा देना चाहती हैं। तो ऐसे में
अब पंजाब में पीएम की सुरक्षा को लेकर के जो चूक हुई है की वजह से जो पीएम की रैली रद्द की गई है उसको लेकर के ये बात बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। हालांकि हवाला ये भी दिया जा रहा था कि मौसम के साथ ना देने की वजह से ये रैली कैंसिल की गई है, लेकिन अब जो खबर सामने निकल करके आई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कि सुरक्षा में बड़ी चूक थी, इस वजह से पीएम मोदी की रैली कैंसिल हुई है। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम की सुरक्षा में चूक की वजह से पीएम मोदी की रैली आज पंजाब में कैंसिल हुई है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जीओटी मोबी ऐप एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज आपकी बुलंद आवाज आपकी बात।